हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमा पापास किचन। आज अपन बनाते हैं चिकन टमाटो पुलाव। बहुत मज़ेदार बनता है। टमाटोज डालते हुए अपन इसमें टमाटो के साथ चिकन के साथ एक अच्छा सा मज़ेदार पुलाव बनाते हैं। तो आप लोग ये रेसिपी एंडिंग तक देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच में अपन इंग्रेडिएंट्स ऐड करते रहते हैं, लेकिन आप लोग कंटिन्यू स्किप कर रहे तो थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं। इसलिए कंटिन्यू देखने से आप लोग को सुपर रेसिपी आप लोग को बन के तैयार हो जाता है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े पीसेस के चिकन ली हूँ मैं यहाँ पे। 1 किलो चिकन बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेना है। पुलाव बिरयानी को बड़े साइज़ में अच्छा रहता है। तो पूरा अच्छा सा साफ धो ले के, दूसरा यह है कि छोटा सा टिप, विनेगर से अगर धोए तो आप लोग को बिसान बो नहीं आती है इसमें, तो ये छोटा सा टिप है। इसमें पूरा अच्छा सा साफ धो लिए बाद इसमें ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ साथ अपन इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट। आप लोग अगर रेड चिल्ली यूज़ करना समझे तो यूज़ कर ले सकते हैं ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड करके। अब अपन इसमें ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के मुताबिक का नमक ऐड करके, उसके बाद अपन बना रहे सो टमाटो चिकन पुलाव। तो टमाटो से 3 टमाटो अच्छा सा प्योरी बना लेके, वो पेस्ट को भी अपन एक चिकन में डाल दे के पूरा अच्छा सा मैरिनेट करना है। मिनिमम 2 आवर्स रेस्ट देना है इसको, लेकिन कभी अगर अपने के पास टाइम रहे तो मैं तो ये आज मिला के दूसरे दिन पकाई, ओवरनाइट मैरिनेट करी हूँ, तो फर्स्ट डे बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरह से पूरा अच्छा सा मैरिनेट करके डीप फ्रीज़र में रख दिए तो अपने को पीस बोलते सो एकदम मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से मिनिमम एटलीस्ट, तो आप लोग के पास टाइम नहीं रहे तो 2 घंटे तो भी इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। अब जिसमें भगोने में अपन पुलाव बनाना समझे तो वो बर्तन को चढ़ा देंगे, उसमें ऐड करते हैं 4 टेबलस्पून घी, 2 बिरयानी के पत्ते, 2 इंच का सिनेमन का स्टिक और स्टार फ्लावर्स 2, मेज़ 1-2 पेटल्स, शालमाली 1-2, शाही ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक इलायची 1, लौंग 10-12, इलायची 10-12 ऐड कर लेके पूरा अच्छा सा सौते होना है। यहाँ पे अपन गरम मसाला पाउडर यूज़ ना करते हैं, पूरे भी सारे खड़े मसाले यूज़ करते हैं अपन। पूरा अच्छा सा मिक्स करते हुए अब अपन थोड़ा सा सौते हुए बाद उसमें 4 आनियंस रफली कट कर लेके, बारीक बारीक कट कर लेके अच्छा सा पूरा, ये डार्क कलर डार्क ब्राउन कलर आने की ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपन बना रहे सो पुलाव, तो ये अगर डार्क कलर हो गए तो अपना पुलाव का कलर भी चेंज हो जाता है। तो लाइट कलर में, लाइट पिंकिश कलर आए तक अपन इसको रख लेना है। अब अपन इसमें ऐड करते हैं काली मिर्ची 1 टेबलस्पून डाल दे के पूरा अच्छा सा सौते होने देना है। पूरा अच्छा सा पिंक डार्क पिंक कलर में आए तक अपन ये ऑनियंस को फ्राई कर लेना है। उसके बाद अपन इसमें ऐड करते हैं 3 टमाटर, अपन प्यूरी डाल लिए थे, और 3 टमाटे कट करके इसमें अपन बघार में डाल लेना है। अच्छा सा डाल लेके ये टमाटे पूरे भी नरम हुए तक अपन इसको पका लेना है। 3 टमाटे प्यूरी बनाए थे तो अपन बनाने का ही टमाटो और चिकन का पुलाव। तो अपन इसमें ऐड करते हैं धनिया के पत्ते और मिंट लीव्स, पुदीना के पत्ते 1 मुट्ठी भर ले लेके उसको भी पका लेना है। ये मिंट और धनिया के पत्ते डाले बस ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरी नहीं। अब अपन इसमें ऐड करते हैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। ये आप लोग मैरिनेशन करते से वक्त भी मिला ले सकते हैं, अगर वहाँ पर नहीं मिलाए तो यहाँ पर ये बघार में डाल दे सकते हैं। पूरा धनिया पाउडर डाल दे के एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर अच्छा सा मिक्स कर लेके धनिया और मिंट के पत्ते डाले थे ना, उसके साथ ये पाउडर्स भी ऐड करे थे, ये पूरे एक बार मिक्स करते हुए अब ऑलरेडी अपन मैरिनेट करे सो चिकन है ना, वो चिकन को भी इसमें डाल देते हैं। ये चिकन डाले बाद अपन पानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, जस्ट उसके पानी छूटता है ना चिकन के साथ, वो पानी से ही पकते रहना है, क्योंकि अपन इसमें यहाँ पे पुलाव बना रहे हैं। तो अगर पानी ज़्यादा हो गए तो
राइस नरम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पानी ऐड नहीं करें। जैसा अपन अगर पानी डालना समझो तो वो भगोने को धोए सो पानी डालना समझो तो वो मेजर करे सो पानी में ऐड करके डाल ले सकते हैं। तो बासमती राइस 1 किलो ली हूँ मैं यहाँ पे, 1 किलो चिकन और 1 किलो बासमती राइस। और राइस को भी साफ़ अच्छा सा धो दे के एक आधा घंटा पहले भिगा के रखे तो एनफ है, आधा घंटा एनफ है बासमती राइस के लिए। तो रख के साइड में रख देना है। अब इसके बराबर का पानी मीन्स बासमती राइस को 1 कप को 1.5 कप डालते हैं, उसी हिसाब से मैं पूरा उसमें भिगाते वक्त ही अपन मेजर रख लेके वो पानी के साथ ये बासमती राइस की इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा 20% कुक हुए बाद चिकन को इस तरह से डाल देना है। डाल दे के अब अपन इसको अच्छा सा पकने देना है, जब तक कि 80% कुक हुए तक अपन इसको पका लेना है। तो देख लीजिए, ज़्यादा नहीं हिलाना, चमचा रख के नहीं हिलाना है, क्योंकि बासमती राइस थोड़े से डेलिकेट रहते हैं, चूप अपन हर वक्त भी हिलाने से पूरा टूट जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बीच बीच में एक दो बार सिर्फ अपन चावल डाले से एक दो बार ही हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना है। तो देख लीजिए 80% कुक हुआ है अपना चावल और चिकन भी, दो भी कुक होए बाद अपन ने थोड़ा सा ऊपर पानी रहता है उस वक्त अपन इस तरह से लिड को लगा दे के लो फ्लेम में रख के ऊपर एक वज़न सा कुछ भी रख देना है, वज़न सा पत्थर नहीं बोलते पानी की बिंदली कुछ भी रख दे के भाप बाहर नहीं गए जैसा अपन इसको लो फ्लेम में 20 मिनट्स तक अपन इसको दम कर लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से 20 मिनट तक अपन इसको दम को रख लेके वो स्टोव बंद करे बाद भी 10 मिनट्स तक इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर डिस्टर्ब करे तो इतना अच्छा नहीं रहता है। 10 मिनट्स के बाद ही अपन ये ओपन करके मिला तो अपना खिला खिला राइस से अपना ये चिकन और टमाटो पुलाव मज़ेदार, कौन सा भी रेसिपी, कौन से भी पुलाव, कौन से भी बिरयानी स्टैंड दो, डायरेक्टली अपन स्टोव बंद करे साथ ही अपन ओपन नहीं करना है, 10 मिनट्स रुक के ओपन करे तो अपने को अल्टीमेट मिलता है अपना राइस। तो देख लीजिए इस तरह से खिला खिला राइस अपने को बन के तैयार हो गया है, सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। तो ये बिरयानी ये पुलाव बोलते सो एकदम मज़ेदार है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके आप लोग को कैसा लगा कि मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करो, फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करो, और अच्छे अच्छे टेस्टी हेल्दी क्विक कॉन्टिनेंटल डिशेस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे वीडियो से। और हर तरीके के हर नमूने के हर एरिया के रेसिपीज शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।